अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सतीश जी व्यास, महेंद्र जी व्यास, मनोज जी व्यास, प्रणय जी व्यास, मेरा एक अनुरोध है सभी से कि आप सब मंच से नीचे आ जाए, हमें फेस टू में रहने में दिक्कत आ रही है। श्री समीर जी शर्मा, श्री आकाश जी अवस्थी, श्री भरत जी व्यास, मैं विमल जी शर्मा, रमेश जी व्यास, प्रयास जी गौतम जी, संजीव शुक्ला जी, आशुतोष जी जोशी, क्वेंटी शर्मा ने विष्णु राजोरा जी का सम्मान करें, साथ में हमारे आदरणीय विकास जी अवस्थी जो कि संयोजक है सर्व ब्राह्मण युवा परिषद इंदौर के, उनका स्वागत करें, आदरणीय पुष्पेंद्र जी मिश्रा साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष है अखिल भारतीय महासंघ के, पुष्पेंद्र जी मिश्र साहब प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, श्री संजय दुबे जी, समीर जी शर्मा, आकाश जी अवस्थी, भरत जी व्यास, कपिल जी व्यास, टिंकू शुक्ला जी, सुदर्शन दुबे जी, प्रतीक पंडित जी, मोहित पंड्या जी, मयंक उपाध्याय, रोहन कानुंगो, दीपक जोशी जी, सतीश दुबे, स्थापक जी मयंक, मंगे जी शर्मा, संजय कानुंगो जी, छोटू पांडे जी, सतीश व्यास जी, मनोज जी व्यास, प्रणय जी व्यास, स्वप्निल चौधरी, अभिषेक जोशी, रोहित उपाध्याय, प्रणय जोशी, पंकज जी, हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री आदरणीय प्रधान जी, सभी से निवेदन है कि नवंचे से नीचे आ जाए, हमारे आदरणीय सुनील जी पांडे साहब का स्वागत करें, साथ में हमारे आदरणीय दीपक जी जोशी जी का स्वागत करें, पूर्व महापौर मैं पूर्व महापौर और हमारे महासंघ के संरक्षक आदरणीय सुभाष जी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, परशुराम सेना के अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन। आदरणीय बहन यशोदा शर्मा जी, आदरणीय आदित्य दुबे जी, विमल शर्मा जी, डॉक्टर रितेश शर्मा साहब, कपिल व्यास जी, अन्य उपस्थित सभी सम्मानित जन, सुधीजन, इस विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा पंचांग, जो लोग पंचांग देखते हैं वो जानते होंगे कि आने वाले 100 साल में चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये हमारे आज के पंचांग में लिखा हुआ है। नासा के वैज्ञानिक भी 24 घंटे 48 घंटे पहले बताते हैं। ब्राह्मण ही वो शब्द शख्स है जिसने शब्दों को मंत्र और भव्य पैमाने पर सूर्य यात्रा निकल रही है परशुराम महाराज की, आप भी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? वैसे सभी को शुभकामना, ये आनंदमयी यात्रा है, ये शौर्य की यात्रा है, भगवान परशुराम ने जो शौर्य हमारे पृथ्वी पर किया उनका भी नमन है, उनके भी चरणों में अभिनंदन, वंदन और पुष्पांजलि अर्पित करने आया। वैसे हम लोगों को सनातन धर्म को जिस तरह से चोट पहुंचाने वाली बात होती है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गलत है, ये तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से सनातन पर वार किया जाता है, जबकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो कि भारत को जोड़े हुए है, जो भारत को टूटने नहीं दे रहा है। वैसे एक सवाल आपसे, Yeah!
उनसे काम नहीं चलेगा भैया। हमारे भी दुकान से परशुराम महाराज की शोभा यात्रा निकल रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा परंपरागत अनुसार जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसका श्रेय अखिल भारतीय ब्राह्मण के समस्त पदाधिकारीगण, युवा साथी और हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने धूप में खड़ी मेहनत करके परिश्रम करके इस यात्रा को भव्य बनाया। कितने वर्षों से निकलती, कहाँ से निकलती और कहाँ पर समापन होता है यात्रा? विगत 40 वर्षों से राजराजेश्वर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा निकाली जा रही है और ये यात्रा सयाजी द्वार से प्रारंभ होकर मंडी धर्मशाला में उसका समापन होगा, जहां पर समस्त ब्राह्मण बंधुओं का भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। पैसा देखना बड़ी संख्या में, उत्साह भी दिख रहा है ब्राह्मण समाज में शोभा यात्रा को लेके, इसको लेके क्या कहेंगे? बड़ा उत्साह दिख रहा है ब्राह्मण समाज में, क्या कहना चाहेंगे? आप ब्राह्मण जाग गया है और ब्राह्मणों में बहुत उत्साह है अपने धर्म के प्रति और अपने कर्म के प्रति।